अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, तो हमारे पास कैश नहीं था तो उनको कैश चाहिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो गाइज अभी हम निकले हैं और सोचा था थोड़ा जल्दी निकलेंगे बट थक बहुत गए थे तो आँख भी नहीं खुली, तो अभी जस्ट तैयार व्यार होके हम निकल चुके हैं अपने नए सफर के लिए। मेरा आउटफिट ऑफ द डे कार्तिक दिखा देगा। मैं कुछ इस तरह ही लग रही हूँ, कल मैंने सरोजिनी से यही लिया था और कार्तिक का भी आउटफिट मैं दिखा देती हूँ। तो ये कार्तिक का आउटफिट है आज का और कितना मस्त हैंडसम लग रहा है। माय चॉइस है, ऑल योर चॉइस। बस अब हम निकल गए हैं, फिर से इतना लंबा सफर करना पड़ेगा। सुबह के 7 बज रहे हैं, लग रहा है आपको ऐसा कि 7 बज रहे होंगे सुबह? 7 ही मुझे लग रहा है। तो बस अब हम निकल रहे हैं, अब फिर से ओह माय गॉड। तो अब चलते हैं यार गाइस, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करेंगे हम उतना ही लेट पहुंचेंगे। गाइस मैं अपनी चूड़ियां पहनना भूल गई थी, जो कि मैंने लिया था कल फॉर 100 रुपीज 2 पेयर। तो गाइस मैंने एक ही पहना है क्योंकि 2 ओवर लग रहा था, मेरा हाथ छोटे छोटे ना इसलिए ज्यादा भरा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। कैसा लग रहा है? इट्स लुकिंग क्यूट। मैं भी तो क्यूट हूँ ना। तभी तो क्यूट लग रहा हूँ। मुझे भी पर्सनल लिया पर मम्मी के लिए तुमने? हाँ मैंने गाइस ये मम्मी के लिए लिया है, बट जो मैं लाई थी मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी। वृंदावन में ट्रेंड चल रहा है साड़ी पहनने का। तो वृंदावन में क्या होता है कि लोग ना स्कर्ट के ऊपर साड़ी जैसा पहनते हैं ड्रैप करके, मैं वो लेकर आई थी बट मैंने पहना था, मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं पेटीकोट लाना भूल गई। तो कोई नहीं, इसलिए मैंने मम्मी के लिए लिया था वही लगा लिया, माँ बेटी एक ही लगाए क्या जाता है। सो मैंने बताया नहीं आपको, तो गाइज हमारा सफर वृंदावन के लिए है, तो हम यहाँ से भी वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। वेरी एक्साइटेड। राधे राधे। कार्तिक को प्रेशर आ गया। जा मेरे लाल, फतेह हासिल करो। तुम्हें नहीं आ रहा क्या? सॉरी, हासिल करो। तुम्हें नहीं आ रहा? ना मुझे नहीं आ रहा। बाय गाइस, अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे एंड जैसे कि हमने कुछ खाया नहीं तो अभी आंटी का एप्पल बड़ा काम आ रहा है, तो हम ये खा रहे हैं फ्रूट, क्योंकि हम सोच रहे कि अन्न मुँह में डाल के नहीं जाएंगे, बिना अन्न खाए जाएंगे, दर्शन वर्शन करने के बाद नाश्ता वास्ता करेंगे। आप लोग सोचते होंगे ये लोग तो गाड़ी में खाते ही नहीं, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है इसलिए मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ गाड़ी में। तो गाइज अभी जस्ट हम पहुंचे हैं मथुरा एंड यहाँ से अराउंड 3-4 किलोमीटर वृंदावन है, तो अभी यहाँ से बैरियर लगा दिया है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, तो अभी हम यहाँ पार्क कर रहे हैं गाड़ी को और इधर से हम टुक टुक में जाएंगे। तो अभी कार्तिक पूछने गया है कि क्या सीन है, कैसे जाना है। सुनने में आया है कि चप्पल भी नहीं लेके जा सकते, लगाने वाले लेके जाते हैं, बट अभी हमें कुछ पता नहीं है कि क्या करना है कैसे जाना है, तो अभी कार्तिक पूछने जा रखा है, तो अभी वेट करते हैं उसके आने का। भाई बहुत गर्मी है। ये आ गया, ये रिक्शा वाला तो कह रहा है कि पर्ची मिल जाती है वहाँ पे, पर पार्किंग वाला कह रहा है भैया मेरी मानो तो गाड़ी जूते चप्पल महंगे हैं, यहीं छोड़ के जाओ, कुछ भरोसा नहीं कौन से गेट से एग्जिट होगी कौन से गेट से एंट्री होगी, घूमते रहोगे फिर वहाँ। ठीक है फिर यहीं छोड़ के जाते हैं नंगे। कह रहा है सब चीज आपको नंगे पैर घूमनी है वहाँ पे। हाँ तो ठीक है, और वैसे भी यहाँ से इतना पैदल तो चलना ही नहीं है, वहाँ तक तो जाएंगे ही। तो गाइज अब यहाँ से हम नंगे पाँव ही जाएंगे। और फोन वगैरह का? फोन लेके चलो ना अपना, पर्स यहीं छोड़ दो आप, पर्स यहीं छोड़ दो फोन। मैं स्टाइल ही मारूं? तो वहाँ पे थोड़ी ले जाएंगे अंदर, क्यों कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे का, क्या? और जो लोग बैग लेकर आते हैं उनका क्या होता है यार? बब्बू रहेंदर क्यों यार, एक बार पूछ के आओ यार, फिर एग्जिट के चक्कर में फिर वहाँ पे बैग रखना पड़ेगा पर्ची के लिए। पूछ के आ जाओ, कितना ड्रामा करते हो। पूछ के आओ ना, मैं अच्छी नहीं लगूंगी। जाओ यार, थोड़ा पोज वोज मारूंगी यार, फोटो वोटो खींचूंगी। फोन ले लेगा बंदर, वहाँ फोटो खींचूंगी। जाओ ना एक बार पूछ के आओ ना। तो गाइस हमारा टुक टुक भी आ गया है, ओके तो गर्म है, मिट्टी भी अच्छी है वैसे। मैं यहाँ बैठूंगी ना, ओ भैंस की पूछ कितना गर्म है। गाइस हम निकल गए हैं टुक टुक में। कार्तिक बोल रहा है कि आपको उधर बैठना चाहिए था, बैलेंस हो जाएगा। मैंने बोला मुझे उल्टी आती, तुम जाओ उस साइड, और जा भी नहीं रहा, दोनों को
पहुंच चुके हैं एंड भैया लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपना फोन और चश्मा बैग सब संभाल के रखना, तो हमने अंदर डाल दिया। पता नहीं मैं ब्लॉग कर पाऊंगी कि नहीं। गाइस कार्तिक का चश्मा भी निकल गया बेचारा। कैसे देखोगे अब तुम? जितना देखेगा देखेगा। तो क्या बोल रहे थे आप? यहाँ पे चश्मा भी ले जा लेता है ना? आ, मैं इसको कैसे लेके जाऊँ फिर? इसके ऐसे दबा लो। दबा लो। आपका नाम क्या है? ओमवती। आप यहीं रहते हो? तो गाइस पता नहीं मैं ब्लॉग कैसे करूंगी अब। फोन मुझे रखना पड़ेगा। बंदर वापस कैसे देगा अगर ले गया कुछ? तो फ्रूटी देनी पड़ती है। फ्रूटी उसको फ्रूटी देने से दे देंगे फोन? बंदर को भी फ्रूटी चाहिए है भी नहीं। और फोन कहीं और लेके नहीं जाता वो? चला जाता है। फिर लेकर कैसे आएंगे? एक अंकल रहते हैं वो छुड़वाते हैं ना, 500 रुपए अपने फालतू के लेते हैं। ओह, फ्रूटी और 500 रुपए एक्स्ट्रा। गाइस ये बोल रही है कि एक अंकल छुड़वाते हैं और वो 500 चार्ज लेते हैं और एक फ्रूटी लेते हैं। गाइस हमारे पास चेंज नहीं है और ये बच्ची बोल रही टीका लगा लो ऐसे ही। लगा दे अभी आके देखते ठीक है। बाय, अभी मिलना ठीक है। अच्छा सुनो तो, आप फोन में YouTube देखते हो? YouTube देखते हो? जाके अनीशा थापा सर्च करना। क्या करना है? क्या करना है सर्च? अनीशा थापा, आप आओगे उसमें ठीक है? मेरे भी लगा दो फिर। बाय बाय, थैंक यू। हाथ तो मिला लो। बाय गाइस, अब हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपको। बाय। फोन खोलने में भी तो हम हैं, कृष्णा भगवान की नगरी में है। गाइस यहाँ पे भीड़ दिखाऊं? ये देखो हमारे पीछे देखो। तो गाइस हमने फूल के माला भी ले लिया है। यहाँ पे बहुत सारे थे, हमने ये वाला लिया है और हम ना VIP से जा रहे हैं। सेटिंग है कार्तिक की हर जगह। बहुत भीड़ है यहाँ पे इसीलिए। गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे, ये देखो। पर हमने अच्छे से दर्शन कर लिया। हेलो हेलो जी, राधे 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 बोलो। को बहन सही बोले ना थे? हाय बोलो तो। हाय बोल रही है बहन, खुशी आत्मा का जय बोले। ओहो ऐसे बात नहीं है बाबा। ये लोग ऐसे ना खुश रहो। जय गुरु। बाय इंसान का से बाय बाय कर लो बोले ना। जय हो। बाय एक बार बाय बाय और करके आओ। चलो चलो आगे और बोले ना। सेल्फी। बाय गाइस, हम राधा वल्लभ मंदिर में आए। देखो अभी कपाट बंद हो गया है। हमने दर्शन कर लिया और इतना डिहाइड्रेट हो रहा है बॉडी, अभी जूस पी रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गाड़ी में और बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इतनी हालत ख़राब हो गई। बट हमने दर्शन बहुत अच्छे से किया, बहुत मज़ा भी आया और हमारी किस्मत अच्छी थी ना। पहले हम जहाँ पे राधा मंदिर में गए थे वो ना बंद था, तो हमने सोचा चल अब वापस जाते हैं। पर मैंने सोचा एक बार पूछ लेते हैं। फिर हमने एक पुलिस अंकल से पूछा, उन्होंने बोला अरे बेटा अब खुलने वाला है। तो फिर हम फटाफट वापस भाग के गए। फिर हमने अच्छे से दर्शन किया, हम आ गए। बस हमारे साथ एक दिक्कत हो गई, प्रेम मंदिर बंद हो गया। प्रेम मंदिर बंद, तो उसका दर्शन शाम को ही होगा। उन्होंने बोला शाम को खुलेगा और शाम तक हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें देहरादून निकलना भी है। तो बस अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्रेम मंदिर भी। अब नेक्स्ट टाइम जब फैमिली के साथ आएंगे तब पूरा मंदिर घूमेंगे। इस बार हमने जो मेन मंदिर है वो घूम लिया। मन खुश हो गया। मथुरा में तुम्हें कैसा लगा? तुम पहली बार वृंदावन आए, वृंदावन की धरती में तुमने अपने पावन पैर रखे पहली बार आके। पावन बोलूं कि पापी बोलूं? थप्पड़ मारूंगी, तुम हो गए पापी। पावन पैर तुमने वृंदावन की धरती पे रखे, वहाँ के ब्याह जी के पास गए, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ, क्या लगा मुझे बताओ सब्सक्राइबर्स को। गाइस मुझे ना बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ना मन खुश हो गया। एक होता ना कि इतने धूप में हम जा रहे और मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता ना, पर ऐसा कुछ नहीं था। चाहे हम जितने भी धूप में घूम रहे हो, खाया कुछ नहीं अभी तक, कुछ पानी भी नहीं पिया था, बट वहाँ जाके एकदम कुछ पता ही नहीं चला, एकदम मतलब हैप्पी हैप्पी हो गया था सब कुछ। ना भूख लग रही ना प्यास लग रही, बहुत मजा आया।
इसी नाम पे जय राधे 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 दोस्तों। हेलो और नमस्ते बोलना छोड़ो, राधे राधे बोलो। निकल गए हम यहाँ से मथुरा से, मथुरा को करते हैं अब बाय बाय, मिलते हैं अब फिर कभी, बाय दोस्तों। और जितने भी हमारे मथुरा के सब्सक्राइबर हैं उनको भी राधे राधे। गाइस फाइनली हम पहुँचे हैं आई लव बसंत ढाबा। तो इसका पोस्टर बहुत लगा हुआ था तो हमने सोचा यहीं पे खाना खाएंगे, और इसके चक्कर में हम वहाँ से इतनी दूर आ गए। तो अब वैसे मेरे मामा का नाम बसंत है, तो कार्तिक बोल रहा हूँ बसंत मामा का नाम है। तो अभी खाना खाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्या क्या ऑर्डर किया मैं बता देती हूँ। ऐसा लग रहा है इतने टाइम से किसी ने कुछ खाया नहीं होगा। तो हमने किया है एक येलो दाल तड़का और अपना गार्लिक नान, ग्रीन सैलेड एंड पनीर की भुर्जी एंड मिक्स रायता। रायता तो इनको पसंद है, तो रायता तो हर जगह ही पीते ही है। प्लस हमारा चावल लाना है, बाकी है महाराजा वाली है, कितना बड़ा नहीं है। हमें परोस रहे हैं कार्तिक खाना, हमें पनीर बोल रहा है। वो ऐसे हुआ जैसे कभी जिंदगी में हमारी शक्ल देख के उसे लग रहा होगा पनीर नहीं खाया होगा, उससे ज्यादा पनीर भुर्जी खाता हूँ मैं। गाइस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली हमने पनीर भुर्जी ऑर्डर करी थी तो भैया हमें बोल रहे हैं वो ना ऐसा पीस पीस नहीं होगा, वो ऐसा मैश्ड होगा, मैश्ड होगा बोल रहे हैं। कार्तिक बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे जैसे हमने जिंदगी में नहीं खाई होगी। तो अभी प्लेट सजाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के मैं आपको बताऊंगी कि खाना कैसा है। गाइस इतनी बड़ी रोटी मैं खा पाऊंगी, इतनी बड़ी रोटी। आराम से यार, रोटी वैसे मैं ये तंदूरी वाली रोटी मुझे पसंद नहीं है, बट कार्तिक ने गार्लिक वाली मंगाई है, अब देखते हैं खा के कैसा है। मुझे तो चावल ही पसंद है तो खाओगी यार, अभी पहले रोटी खा लो, थोड़ा चावल ले लूँगी। मुझे इतनी बड़ी बड़ी चावल भी पसंद नहीं है, पर क्या करेगा इस घर का खाना थोड़ी ना मिलेगा अलीशा तुझे। तभी मैं बाहर जाती भी हूँ ना, मैं इतना खाना नहीं खाती क्योंकि मेरे फेवरेट कुछ होता ही नहीं। सैलेड बड़ा सही मिला है अपन को, तुमने नींबू तो नहीं निचोड़ा। गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अच्छा सिंपल है, मिर्ची भी नहीं है। अच्छा है, अगर आप लोग वृंदावन आए तो ये बसंत मामा के पास सॉरी सॉरी मामा गए चौड़ाई करें, बसंत ढाबा पे पक्का आना, अच्छा है खाना, बढ़िया है। कहीं भी चले जाऊँ तब तक मैं हाथ से खाना नहीं खाती, तब तक मेरा पेट नहीं भरता। यहाँ देखो चम्मच से खाने वाले लोग, मजा आ रहा है गाइस, मजा आ गया खा के। लास्ट में सोप और ये चीनी खा के तो और मजा आ गया। सोप में सोप सोप थोड़ा मैं ट्रैक्टर में चढ़ ट्रैक्टर में चढ़ दो मेरे गाइस को, कुछ को बता दो कहाँ जा रहे। गाइज हम अभी आए हैं दिल्ली कुतुब मीनार देखने, और यहाँ पे इतनी भीड़ है, ये इसका एंट्रेंस है। गाइज यहाँ पे ना टोकन भी लेते हैं बट टोकन हमें मिला नहीं, तो अभी हम ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, तभी जाके हमें एंट्री मिलेगी अंदर। तो हमारा 70 रुपए का टिकट लगा है यहाँ पे, अभी यहाँ चेकिंग हो रहा है। फाइनली हम पहुँच गए अंदर, इतनी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे, सारा चेकिंग वेकिंग करके अभी हम पहुँचे हैं। गाइज हम कुतुब मीनार में है। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे हम वृंदावन से फिर दिल्ली कैसे पहुंच गए। क्योंकि रूट यही था और फिर रास्ते में कुतुब मीनार भी था, तो हमने सोचा क्यों ना देखते हुए चले जाए। किसको ढूंढ रहे हो भाई, किसको ढूंढ रहे हो मुझे। वाह यार, ये पत्थर पुराने जमाने का ही होगा ना, कितने हजार साल पुराना। अभी तक देखो इमारतें खड़ी है। देखो कैमरा ऐसे चला रखा है उसने जैसे कुतुब मीनार के अंदर से सब दिख रहा होगा कैमरे से। तुम यार लोगों को रोस्ट कर रहे हैं, लोगों में क्या चीज चल रही है ऐसी। जो सैफरी और करीना का गाना है शुक्रा लला, तो वो यहाँ पे शूट हुआ है इधर ही, वहाँ जहाँ लोग सो रहे उधर ही शूट हुआ था। सच में ऊपर जाके ना, तुम्हें जाना है वहाँ। नहीं अब हो गया, अब चलते हैं। गाइस को तो नहीं दिखाना। तो गाइस हम वापस जा रहे हैं सरोजनी मार्केट की। हाँ ठीक है ना, ये चलो हम सरोजनी जा रहे हैं। ऐसा कर दिया ना सरोजनी। एक चीज तो बताना भूल ही गई, कार्तिक ने ना स्लीपर पहना था क्योंकि वृंदावन के बाद हम लोग स्लीपर पहन के आ गए थे। कुत्ते ऊपर देख रहे नीचे देख रहे।
बेचारा स्लीपर में आ गया, बाद में बोल रहा अरे मैं तो जूता पहनना भूल गया। कोई शर्म है इसमें? तुम्हें नहीं, मैं तो खुद ही सरोजनी नगर घूमना है मुझे। कार्तिक को पता नहीं क्या हो गया इसे, खाना खा के ओवर एक्साइटेड हो गया, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा ना, चुप ही नहीं हो रहा, इतना बोले जा रहा। अब तो निकल गए कुतुब मीनार से, अब कहाँ जाना है? सरोजनी ऑब्वियसली, अब दिल्ली आए तो दोबारा सरोजनी ना जाए। सरोजनी के मैडम पहन के आती कपड़े डिस्को। बोलना भी नहीं आ रहा, मत बोलो। सरोजनी की मैडम, अबे सरोजनी के कपड़े, अच्छा सरोजनी के कपड़े पहन के आती मैडम डिस्को जाती। अरे यार बेचारा, गाइस कब से सोच रहा था ये बोल, पर बेचारे तो बोला नहीं जा रहा। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी फ्यूचर वाइफी, वाइफी ओके, सरोजनी के कपड़े पहनते हैं, मॉल के पहनते हैं तो बिक जाओगे। मैं तो पर मैं चाहता हूँ तो मॉल के पहनो, क्योंकि मेरे से इतना लंबा नहीं चला जाएगा सरोजनी। मुझे चाहता हूँ कि तुम मॉल के पहनो। मुझे मॉल के कपड़े ही नहीं पसंद आते, मुझे सरोजनी ही पसंद है, ऑप्शन बहुत है। फाइनली सरोजनी नगर आ गए फिर से। गाइस यार अब घर जा रहे हैं तो एक राउंड लगा ही लेते हैं, क्या जाता है। मेरे पास इतनी हिम्मत है ना, सरोजनी का कपड़ा पहन के सरोजनी आई हूँ शॉपिंग, और अभी उसी दुकान में जाके और खरीदने जा रही है। तो गाइस सरोजनी में मैंने किसी को स्पॉट किया है, देखना चप्पल कैसी पहन रखी है उसने, ये देखो। हेलो मैडम, मैडम अपनी चप्पल दिखाओ। देखो यार, बिग फैन, बिग फैन। तो गाइस अभी हमने जस्ट भैया के यहाँ शॉप से पापा के लिए एक सूट लिया है, क्योंकि मेरे पापा को सूट पहनना था, तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं, अभी दिवाली भी आ रही है, तो अभी ले लिया है। और क्या लिया है वो मैं आपको बाद में घर में जाके दिखाऊंगी। क्या बार्गेनिंग स्किल है भाई। गाइस हमें इतना कितना बोले थे वो, 3525 बोल रहे थे सूट का, और हमने कितने में लिया, 29 में ले लिया। तो गाइस अभी हमने कार्तिक की मम्मी के लिए 2 चूड़ियां ली है। तो गाइज हमारे साथ बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही बेकार सीन हो गया है, गाड़ी हमारी, हमारा चलान कट गया है 10,900 का। क्यों कटा है अभी पूछते हो, हमारा चलान क्यों कटा है? पोल्यूशन गाड़ी में नहीं हो रखा था, तो बहुत लंबी चपत मारी इन्होंने मुझे 10,900 रुपये किया। एक हज़ार रुपये और ले लेते, 100 रुपये और ले लेते, 1100 रुपये का सगुन हो जाता है इनके लिए। किस्मत की बात, पहली बार ATM लेके आया था गाड़ी के लिए, और आज ये ATM भी मेरे को सबक दे गया। गाइस हमारे साथ पहली बार ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया। बाबूजी 1000 रुपए पड़े थे अकाउंट में, यही निकाल के लाया बाबूजी यार। बोलो सरोजनी में सारे खत्म हो गए। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी छुटाने पुलिस स्टेशन। 100 रुपए और है मेरी जेब में क्या? तो हमारे पास कैश नहीं था, तो उनको कैश चाहिए, तो हम कैश निकालने आए थे, और पॉल्यूशन का चलान इतना ज्यादा कट गया क्योंकि कार्तिक ने पॉल्यूशन भरा नहीं था, है ना। 500 रुपए का पॉल्यूशन होता था, 10,000 रुपए का देना पड़ता है यहाँ पॉल्यूशन। 10,900 100 रुपए और दूंगा इन्हें, 11,000 रुपए रखो भैया, गाड़ी दे दो। तो बस अभी आगे का अपडेट मैं अभी आपको बताती हूँ। गाइस फाइनली हमें गाड़ी मिल गई है, बस अब घर जा रहे हैं। थैंक गॉड मिल गई। तो गाइस अभी हम कुछ खाने के लिए आए हैं, हम आए हैं आई लव ऑन द वे। अरे आ क्यों नहीं रहा, रुको 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 रुको, ये आई लव ऑन द वे। तो अभी यहाँ पे क्या क्या है पहले देखते हैं, फिर खाएंगे। अभी सबसे पहले हम पीने वाले हैं जावा चिप्स, जो कि स्टारबक्स में आके। मैं तो नहीं पीऊंगा। क्यों? कुछ तो पी लो। तो गाइस अभी मैंने ये जावा चिप लिया है। जाने मेरी ये, मैं तेरा हां, हां जी तेरा, तू कर ले यकीन। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गई, बाय। थैंक यू, आराम से जाना, धीरे धीरे, बाय बाय। गुड़की। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या करना है आपको पता है, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।